नमस्कार, मैं दिव्या लोकवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी न्यूज आवाज भिलवाड़ा के रूप में जानी जा रही है। आपकी लोकवाणी न्यूज टीवी चैनल के साथ साथ अब फेसबुक, यूट्यूब जैसे चैनल पर भी अपने दर्शकों से जुड़ी हुई है। हाल ही में हमने लोकवाणी ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अब लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं और पल पल की खबरों से अपडेट रह सकते हैं। भिलवाड़ा से रूबरू हो, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आपने और आपके परिवार जनों ने लोकवाणी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो तुरंत इसे इस लोगों के साथ डाउनलोड करें। आइए अब रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत ने रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की तुरंत रिहाई के संबंध में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अन्नकाते को ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के सदस्यों ने कहा कि 4 नवंबर को पत्रकार अर्णव गोस्वामी को बिना नोटिस दिए व कानून का दुरुपयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के दबाव में जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2018 में लगे मुकदमे में अर्णव गोस्वामी को क्लीन चिट मिल गई थी, मुकदमा बंद भी कर दिया गया था और किसी भी प्रकार की जांच बाकी नहीं थी। भारत में पत्रकार के साथ कायरतापूर्वक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंटकर बर्बरता पूर्वक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है। इस गिरफ्तारी से पहले महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किसी भी न्यायालय से स्वीकृति नहीं ली गई थी, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया था, जो कि कानून का सरासर दुरुपयोग है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत ने राष्ट्रपति से निवेदन किया कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अति शीघ्र अर्णव गोस्वामी की रिहाई कराएं एवं महाराष्ट्र सरकार ऐसा कदम दोबारा ना उठाए, इस संबंध में उन्हें पाबंद किया जाए ताकि देश में शांति बनी रहे और आम लोगों को भी कानून पर विश्वास बना रहे। महाराष्ट्र सरकार के दबाव में इन लीगल तरीके से जो गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध के अंदर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करता है ज्ञापन के द्वारा कि आपकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, प्रेस स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति आज़ादी को जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्णव गोस्वामी की तुरंत रिहाई की जाए और यदि लोकतंत्र का गला दबाने की प्रयास किया, पत्रकारों का स्वतंत्र हनन का प्रयास किया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, पूरा हिंदू समाज, भारत की जनता सड़कों पर उतरेगी और इस तरह की गुंडागर्दी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है वो सहन नहीं करेगी। न्याय का वह पत्रकार, संवाददाता, ये पत्रकार लोग स्तंभ हैं लोकतंत्र के, इनको स्वतंत्रता का अधिकार है हर प्रकार की बात बोलने का। जो भी बात बोल रहे हैं अर्णव जी गोस्वामी, जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल संविधान सम्मत है, सही बात बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो कानून के अंतर्गत आती हो, ऐसी कोई धारा नहीं है जो आईपीसी उस पर लगाई जा सकती हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को खतरा हो गया कि अर्णव जी गोस्वामी कुछ बात कहेंगे हमारी सरकार गिर सकती है, इसलिए उनके साथ इलीगल तरीके से गुंडागिर्दी, जैसे गुंडागिर्दी होती है, पुलिस ने उनको घसीट घसीट कर वहाँ से ऑफिस से निकाला ले गए। ये बहुत बेशर्म की बात है महाराष्ट्र सरकार के लिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन जो हैं आज मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत जो है अर्णव जी गोस्वामी को रिहा करे, तथा दूसरी मांग राजस्थान सरकार से कर रहे हैं कि फटाको प्रतिबंध तुरंत हटाए। धन्यवाद। अर्णव गोस्वामी फैंस क्लब ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा कराने के संबंध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। अर्णव गोस्वामी फैंस क्लब ने कहा कि न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी अपने चैनल के माध्यम से आम जन के हित में व अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन 4 नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, जो संविधान के चौथे स्तंभ के लिए एक ठेस पूर्ण बात है। पूरे देश में इस गिरफ्तारी को लेकर के लोगों में रोष व्याप्त थे। अर्णव गोस्वामी फैंस क्लब ने कहा कि वे निवेदन करते हैं कि पत्रकार अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा कराया जाए, उन पर लगे आरोप की सीबीआई जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। शहर के अर्णव गोस्वामी फैंस क्लब के सभी सदस्य इस बात की यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, राष्ट्रपति जी के नाम, कि महाराष्ट्र सरकार जो अपने रिपब्लिक भारत के जो चीफ एडिटर है अर्णव जी गोस्वामी, उनके साथ जो जाति करी है, दुराचार कर रही है, उनको न्याय मिलने की
उम्मीद से और मांग के हिसाब से हम कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। महाराष्ट्र में अपने अर्णव जी गोस्वामी लगातार अन्याय के खिलाफ और आमजन के हित की बातों को सदैव अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं। उन बातों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने विपरीत लिया। उनको लगा कि ये हमारे सरकार गिर सकती है, इसलिए उनको सरकार जाने के डर से उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया। हम महाराष्ट्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसी सरकार को सरकार पे पद पर रहने की कोई मतलब नहीं रहना चाहिए जो ऐसी दुराचारी सरकार है। और हम राष्ट्रपति जी से इस बात की भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत वहाँ पे हटा करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस पूरी घटना की CBI जांच हो ताकि जो दोषी है उनको सजा मिल सके। राजू जांगिड, पूर्व पार्षद संगाने। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गंगापुर की ओर से थानाधिकारी कपासन के निलंबित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम उपखंड अधिकारी गंगापुर को ज्ञापन दिया गया। बजरंग दल जिला सह संयोजक विद्या प्रसाद जोशी ने बताया कि कपासन में सोमेश्वर महादेव मंदिर पर दिगंबर खुशाल भारती महाराज नागा बाबा चातुर्मास तप कर रहे थे। वहां पुलिस थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने सोमेश्वर महादेव मंदिर की कुटिया में प्रवेश कर दिगंबर खुशाल भारती महाराज नागा बाबा के साथ अभद्र व्यवहार किया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में निर्मित साधु संतों की कुटिया को तोड़ने की धमकी दी और संतों का अपमान किया। इसके विरोध में हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। कपासन के स्थानीय थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई। उक्त संत COVID-19 में अनेक सामाजिक सरोकार के उन्होंने कार्य किए थे, जिनमें 3 महीने तक प्रतिदिन 300 जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया गया था, रक्तदान शिविर लगा करके 111 यूनिट रक्तदान करवाया था। ऐसे नागा संत के नाम पर अपमान और अभद्र व्यवहार करना निंदनीय है। ज्ञापन देने में प्रखंड संयोजक शुभम शर्मा, सह संयोजक शोभा लाल जिनगर, नगर संयोजक धर्मेश गहलोत सहित कई युवा उपस्थित थे। COVID-19 नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और आमजन में जागरूकता के लिए COVID-19 के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत उपनगरपुर Zone 4 में गुरुवार को जोन समन्वयक योगेश दाधीच के निर्देशन में रैली निकाली गई और मास्क वितरण कर नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया गया। स्टिकर चिपकाए गए। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और दूरी रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सदर बाजार, विश्नोई मोहल्ला, गाडरी मोहल्ला, विश्नोई हताई तक मास्क का वितरण किया गया और कोरोना के विरुद्ध जागरूक किया गया और इमारतों पर स्टिकर चिपकाए गए। जोन के पर्यवेक्षण अधिकारी सचिव नगर विकास न्यास संजय कुमार शर्मा ने गतिविधियों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर समन्वयक योगेश दाधीच, स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश गौरण, NCC कैडेट दीपक दोवी सहित कई लोगों ने कोरोना के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। गंगापुर नगर पालिका द्वारा खेल प्रेमियों को सौगात दी गई है। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च करके विजय स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया, जहां पर खेल प्रेमी अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली ने बताया कि नगर पालिका द्वारा निवर्तमान पालिका अध्यक्ष रेखा धीरज चंदेल के कार्यकाल में विजय स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में सभी खेल सुविधाओं के आधुनिक मैदान बनवाए गए हैं। वॉलीबॉल खेल के लिए पालिका द्वारा रात में दूधिया रोशनी की व्यवस्था की गई, जिसमें इन दिनों खिलाड़ी नियमित रूप से खेल रहे हैं। वहीं बैडमिंटन व टेबल टेनिस के इंडोर स्टेडियम भी बनवाए गए हैं, जहां पर पुरुष और महिला वर्ग के खेलने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। विजय स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष धीरज चंदेल ने बताया कि क्लब के देखरेख में नियमित रूप से खेलों का संचालन किया जाएगा। बैडमिंटन और टेबल टेनिस खिलाड़ी सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 5 से रात 9 बजे तक खेलने की अनुमति दी जा रही है। खिलाड़ी अपना नाम दर्ज करवाकर नियमित रूप से खेल का अभ्यास कर सकते हैं। नगर पालिका की सौगात से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर छाई हुई है। डिप्टी CMHO डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि जिले में 8,045 कुल कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार को 28 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी अब 150 हो चुकी है। आज गुरुवार को 28 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के तत्वावधान में आज Zone 1 के वार्ड नंबर 28 और 29 में फतर टावर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग के स्काउट व सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय बालिका महाविद्यालय की रेंजर के सहयोग से Zone 1 के सदस्यों ने कोरोना महामारी बचाओ जन जागरूकता रैली निकाली। Zone 1 के प्रभारी अमित टेलर के अनुसार रैली में स्काउट गाइड स्थानीय संघ सचिव प्रेम शंकर जोशी के नेतृत्व में हाथों में नारे लिखी तख्तियां, पैम्पलेट, स्टीकर,
व मास्क लेकर स्काउट गाइड जोरदार नारे लगाते हुए फतेह टावर से बेडवा ब्रदर्स वाली गली में होते हुए कुम्हारों का मोहल्ला, नीलगढ़ों की मस्जिद तथा वार्ड की विभिन्न गलियों में होते हुए पशु चिकित्सालय तक जन जागरूकता रैली निकाली। रैली में स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार गहलोत, एनसीसी की सरोज वैष्णव, मनभर उपाध्याय, राजेंद्र मार्ग विद्यालय के स्काउटर सुभाष जोशी, महाविद्यालय की रेंजर साक्षी रावत ने भी भाग लिया। भीलवाड़ा जिले का सबसे व्यस्ततम इलाका रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज में पानी भर गया है। आपको बता दें कि अक्सर बारिश के समय अंडरब्रिज में पानी भर जाने से आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन इस बार बगैर बारिश के ही अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अंडरब्रिज में गड्ढे भी हो रहे हैं और साथ ही पानी भी भरा हुआ है, जिससे लोगों को और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुँचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हाईली क्लासिफाइड सर्जन्स, फैसिलिटेटेड फिजियोथेरेपी सेंटर, हाइजेनिक जनरल वार्ड, एयर कंडीशनड डिलक्स एंड सुपर डिलक्स रूम। A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट, इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें लोकवाणी@lokwani.tv पर।
आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9587467222। मिलने का समय दोपहर 12 बजे से साय 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जीरा दादीज मंडल के तत्वावधान में प्राइवेट बस स्टैंड पर विश्वेश्वर तिवारी दादीज भवन का लोकार्पण उद्योगपति विश्वेश्वर तिवारी के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को आयोजित हुआ। अतिथियों ने फीता काटकर भवन का विधिवत लोकार्पण कर समाज को सौंपा। इस दौरान अनावरण पट्टिका का भी विमोचन किया गया। लोकार्पण के बाद भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। दादीज मंडल के महामंत्री गोपाल शर्मा ने बताया कि जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा की अध्यक्षता में भवन का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के अवसर पर भीलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, UIT के पूर्व अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, भाजपा के जिला महामंत्री वेलादुवा सरपंच मुरलीधर जोशी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सहायक निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, जिला दादीज मंडल के पूर्व जिला अध्यक्ष चन्नालाल जोशी, ओम प्रकाश शर्मा फूलिया, दधिमती सेवा समिति के पीयूष पाटोदिया, महिला जिला अध्यक्ष कला कुदाल, गंधेर सरपंच मंजू शर्मा, दौलपुरा सरपंच रामजस दादी, समाज सेवी सुशीला तिवारी व सुनंदा तिवारी अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिना मास्क एंट्री नहीं मिली। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। भवन निर्माण समिति के घनश्याम शर्मा, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, सुबोध कंठ का सम्मान जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्य राजेश तिवारी, कैलाश आचार्य, गोपी कृष्ण पाटोदिया, सत्यनारायण व्यास, राजेश पाटोध्या, ओम प्रकाश मिश्रा, चंद्र प्रकाश शर्मा, मुकेश ओझा, रति रंजन शर्मा, अनिल कंठ, कमलेश आचार्य, राजेंद्र आचार्य, नरेंद्र दादीज, राजीव दादीज व महिला सदस्य रेखा कुदाल मौजूद थी। इस दौरान विश्वेश्वर तिवारी संस्थान में मानव सेवा संस्था की ओर से मास्क वितरण भी किया गया। प्राइवेट बस स्टैंड के पास 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित भवन पूरी तरह से वातानुकूलित है। साथ ही यहां पर ठहरने के कमरों का भी निर्माण करवाया गया है। भवन निर्माण में उद्योगपति विश्वेश्वर तिवारी की ओर से 51 लाख रुपए की सहायता की गई। साथ ही अन्य राशि समाज के भामाशाहों की ओर से दी गई। वहीं इस भवन के दूसरे चरण में छत पर भी निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर भी 1.5 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य लिया गया है। जिला दादीज मंडल के तत्वावधान में दादीज भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। श्रीमान राजेंद्र जी भट्ट IAS जो कि इस समय कमिश्नर है देवस्थान विभाग के, श्रीमान विट्ठल शंकर जी अवस्थी विधायक महोदय और श्रीमान गोपाल जी खंडेलवाल साहब विधायक महोदय, श्री रामपाल जी शर्मा जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और श्री अक्षय जी त्रिपाठी साहब पूर्व अध्यक्ष UIT व श्री मुरलीधर जी दादीज जो महामंत्री है जिला भाजपा में, उन सब के आतिथ्य में आज इस भवन का लोकार्पण समारोह हुआ। श्री विश्वेश्वर जी तिवारी भवन का लोकार्पण हुआ और इसमें उपस्थित जिला अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा गोपाल जी शर्मा और हमारी पूरी टीम जो दादी समाज की है उन सब ने शिरकत की। समाज के भामाशाहों का सम्मान समारोह हुआ और पूरे भवन का लोकार्पण करके आज दादी समाज को सौंप दिया गया। कितने करोड़ की लागत है? ये अब तक 1.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं, जिसमें 51 लाख रुपए माननीय तिवारी साहब ने दिए हैं, बाकी सब समाज के भामाशाहों ने सहयोग दिया और आगामी
भवन का और विस्तार करना है, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने का और लक्ष्य है, और उसके लक्ष्य को पूर्ण करके ही फिर आगे हम चुनाव की घोषणा करेंगे। कोली समाज विकास ट्रस्ट के द्वारा FIR दर्ज करने गिरफ्तारी की मांग को लेकर चिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया कि बोरेला ग्राम पंचायत आसिन उपखंड निवासी हरदेव गुजर एवं उसकी पुत्री कंचन गुजर ने सरपंच चुनाव 2020 में कोली समाज के नाम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा और उसे जीत लिया। ज्ञापन में मांग की गई कि हरदेव एवं कंचन गुजर के विरुद्ध IPC धाराओं में षड्यंत्र रचकर फर्जीवाड़ा करके फायदा उठाने के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए। आसीन थानेदार द्वारा उस क्रम में कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए हरदेव गुजर एवं कंचन गुजर के विरुद्ध कोली जाति के शब्द का नाजायज एवं गलत इस्तेमाल एवं राजस्व नुकसान एवं प्रशासन को गुमराह करने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाए। आज कोली समाज विकास ट्रस्ट भीलवाड़ा के द्वारा जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। बोरला ग्राम पंचायत आसीन सेक्टर में कंचन गुजर द्वारा कोली समाज का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव जीत लिया गया था, जिससे प्रशासन गुमराह हुआ। दिनांक 7 अक्टूबर को कोली समाज ने कलेक्टर महोदय से मांग की थी, उसमें प्रशासनिक जांच कमेटी में कंचन गुजर द्वारा स्वतः ही दोष सिद्ध हो गया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर कोली समाज का जाति प्रमाण पत्र बनाया गया। SDM आसिन द्वारा भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी है, मगर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे कोली समाज में रोष व्याप्त है। हम आज पुनः ज्ञापन देकर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कंचन गुजर की गिरफ्तारी की जाए, ताकि इस प्रकरण में पूरा न्याय हो सके। मुरलीधर कोहली, सचिव कोली समाज का अध्यक्ष, भीलवाड़ा। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति शाखा भीलवाड़ा के प्रदेश संयोजक व भीलवाड़ा जिला निजी शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष अर्जुन देवलिया व कानूनी सलाहकार शांतिलाल जैन के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया गया। देवलिया ने बताया कि आज पूरे जिले में बंद का असर रहा, लगभग 2000 स्कूलों में कार्य का बहिष्कार कर शटडाउन पर रहे। अभिभावक बच्चे भी इधर उधर फोन पर हालात की जानकारी लेते नजर आए। सरकार कोरोना 19 के नाम पर केवल निजी स्कूलों को खत्म करने की रणनीति अपना रही है, जबकि सरकार के सभी कार्य सरकारी स्कूल व चुनाव इत्यादि कार्य संपन्न करवाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र को राजनीति से बाहर रखकर अभिभावक एवं विद्यालय को गुरुकुल प्रथा की तरह संचालित किया जाना चाहिए, किंतु सरकार ने अभिभावक एवं निजी विद्यालयों को आदेशों के फेरबदल में ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों पक्ष अपने नन्हे बच्चों के भविष्य को ताक में रखकर अदालत तक पहुंच गए हैं, जिससे गुरु और शिष्य की गरिमा समाप्त हो रही है और देश का आने वाला भविष्य जो युवा पीढ़ी पर आधारित है वह गर्त में जा रहा है। कानूनी सलाहकार शांतिलाल जैन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि 17 नवंबर से स्कूल फिजिकली चलनी चाहिए। अन्य राज्यों में चल रही है तो राजस्थान में क्यों नहीं? फीस का मामला कोर्ट में लंबित है तो हाईकोर्ट की एकल पीठ के निर्णय को लागू क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार रिजर्व फंड को विड्रॉल के आदेश क्यों नहीं कर रही? RTE का बकाया भुगतान सरकार नहीं दे रही है, अभिभावकों से स्कूल की बकाया फीस नहीं लेने के आदेश दे रही है, तो स्कूल कैसे चलाएं? समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में नोबल इंटरनेशनल, स्टीवर्ड मॉरिस, ग्रीन वैली, कोठारी पब्लिक स्कूल, बैथल स्कूल, सैमरॉक के प्रतिनिधि एवं कोर कमेटी के सदस्य महेंद्र शर्मा, आरिफ हुसैन, मधुसूदन तलवार, दशरथ सिंह, रामपाल, तेज सिंह, अमन वर्मा, गोपाल सोनी आदि उपस्थित थे। मांडलगढ़ में रोक के बावजूद बजरी का दोहन फिर से शुरू हो गया है। रात के अंधेरे में बजरी धड़ल्ले से बनास से होती हुई कोटा तक पहुंच रही है। इसका सबूत राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देखने को मिला, जहां बजरी बिखरी पड़ी है, जिससे दुपहिया वाहन रेस से स्लिप होकर आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रकों में लोड होकर ट्रक पार्किंग में रेत खाली होती है और वहां से ट्रैक्टर लोड होते हैं, जबकि हाईवे टोल के नजदीक ही बिजोलिया पुलिस चेक पोस्ट बनी होने के साथ ही कई थानों व पुलिस चौकियों के सामने होकर रेत से भरी गाड़ियां निकलती है। ऐसे में खनिज विभाग के साथ ही पुलिस पर भी सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। मधुबन रेडियो आबू रोड द्वारा संचालित बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हिंदी राजस्थानी भाषा के प्रख्यात राष्ट्रीय कवि ओम अंकुर ने कविता पाठ किया तथा अपना साहित्यिक योगदान संवाद के जरिए साझा किया। इस कार्यक्रम का संचालन रेडियो मधुबन के विश्वविख्यात संचालक RJ रमेश द्वारा किया गया। ओम अंकुर की शानदार कविताओं के साथ बाजपुर उत्तराखंड से राष्ट्रीय कवि बादल बाजपुरी ने फिर शानदार चुटीली हास परिहास से युक्त रचनाएं सुनाई।
इस बेहतरीन कार्यक्रम बातें मुलाकातें में जायरी साहा और शीशा ने भी भाग लिया, जिन्होंने मधुर संगीत के जरिए कार्यक्रम को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आजाद नगर के मां नर्वदेश्वर पार्क एफ सेक्टर में योग शिक्षक प्रहलाद राय अजमेरा कई वर्षों से निःशुल्क अपनी सेवाएं योग के माध्यम से दे रहे हैं। योग के मीडिया प्रभारी सुरेश पम ने बताया कि योग के दौरान एक्यूप्रेशर किट एवं कोरोना महामारी के बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। क्लास में प्रतिदिन अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मणी, सूर्य नमस्कार, कटी चक्रासन सहित कई योग मुद्राओं के द्वारा शरीर को लचीला एवं सुदृढ़ बनाने के लिए योग करवाया जा रहा है। योग के दौरान योग प्रेमी भूपेंद्र मोगरा, दलपत चौड़िया, बाल मुकुंद पलोड, केदार अजमेरा, ओम प्रकाश जोशी, श्यामलाल आगाल, सुमन देवी, लवकुश काबरा सहित कई योग प्रेमी उपस्थित थे। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान द्वारा सत्र 2020-21 में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का सम्मान समारोह 8 नवंबर रविवार को प्रातः 10 बजे पुनित कॉलेज पानसर रोड पर कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। जिला महासचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह में जिले के समस्त राज्य एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भाग लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।